हेलो गाइस, वेलकम टू न्यूज़ अपडेट। प्लीज इन्हें सब्सक्राइब कर लेना गाइस। शहनाज के इंटरव्यू आ रहे हैं लगातार, जी हाँ, जो उन्होंने प्रमोशंस के लिए दिए थे और सब फैंस उन्हें देख भी रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें शहनाज बता रही हैं दिल खोल कर। सबसे पहली बात बताती हूँ, नवाजुद्दीन से पूछा गया कि आपको जानकर कैसा लगा कि शहनाज आपके साथ काम कर रहे हैं, तो नवाजुद्दीन ने कहा कि जैसे ही उन्हें पता चला कि शहनाज को कास्ट किया जा रहा है तो उनका रिएक्शन ऐसा था, चलो कर लेते हैं, कर लो भाई, कर लो, एकदम से कर लो। मतलब उनके एक्सप्रेशन और जैसे वो बता रहे थे, वो काफ़ी ऐसे लग रहे थे कि काफ़ी एक्साइटेड थे शहनाज के साथ काम करने के लिए। उन्होंने कहा जैसे ही उन्होंने पता चला कि उनके साथ शहनाज को कास्ट किया जा रहा है, उन्होंने अपनी टीम से कहा भाई इसे तो कर ही लेते हैं। तो ये होती है एक्साइटमेंट, ये होता है कि भाई हाँ, शहनाज के साथ काम करना। शहनाज भले ही इंडस्ट्री में नहीं है लेकिन लोग उनके साथ काम करने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। वहीं शहनाज ने कहा उनका रिएक्शन ऐसा था क्योंकि वो काफ़ी सारे लोगों के साथ काम करना चाहती हैं इंडस्ट्री में, जो उन्हें पसंद हैं, जिनका काम पसंद है। उनमें से जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं वो सबसे ऊपर हैं। शहनाज ये पहले भी कह चुकी हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि उनके साथ काम किया है, उनके साथ सॉन्ग किया इसलिए कह रही हैं। वो जो देसी वाइब्स भी शहनाज में आए थे तब भी उन्होंने कहा था कि वो उनके साथ काम करना चाहती हैं। और गाइस, इंटरव्यू में भी ऐसा लग रहा है कि दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है क्योंकि दोनों का तालमेल साफ साफ नज़र आ रहा था। अब गाइस बात आती है, शहनाज से काफ़ी सारे क्वेश्चन किए गए, तो जैसे होता है ना, क्योंकि आपने गाने की थीम तो देखी है कि भाई यार के सताए हुए हैं, तो मतलब कोई छोड़ के चला गया, ब्रेकअप हो गया, सैड थिंग जो भी है, तो वो सब चीज़ें बार बार पूछी जानी थी। ये तो होता ही है कि भाई आपने किस किस को छोड़ा है रियल लाइफ में, या आपको कौन छोड़ के गया है, तो ये सब क्वेश्चन किए जा रहे थे। नवाजुद्दीन का कहना था कि उन्हें अभी वेट है कि भाई ट्रू लव का, वो अपनी लाइफ में वेट कर रहे हैं। हाँ, जब शहनाज की बारी आती, शहनाज ने कहा कि उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा है, सब उन्हें छोड़ कर चले गए हैं, सब चले गए हैं उन्हें छोड़कर। तो जो उनका बोलना था, सच में फैंस बहुत हर्ट हुए क्योंकि मतलब इमोशनल भी हो गए और हर्ट इसलिए, आप सभी जानते हैं वो किसके बारे में कह रही थी, सिद्धार्थ के बारे में, कि वो उन्हें छोड़कर चला गया। गाइस इतना ही नहीं, और भी बहुत सारी बातें हैं, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे जेस्चर, जहाँ देख कर सबको लगता है, सबको, कि वो सिद्धार्थ के बारे में सुन रहे हैं, शहनाज से सिद्धार्थ की झलक देख रहे हैं उनमें, कि जिस तरह से वो जवाब देती हैं, मतलब बहुत सारी बातें। अब अगर हम उन्हें एक्सप्लेन करने लगे कि हाँ शहनाज जो सिद्धार्थ के बारे में ऐसा बोल रही थी, उनसे रिलेट करें, तो बहुत सारी चीज़ों को कहने लगते हैं, फुटेज के लिए कर रहे हैं और आप लोग व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, लेकिन सच में दिखता है, जो चीज़ें दिखती हैं और महसूस होती हैं, इंसान उन्हें कैसे ना बोले। भाई कैसा लगा आपको सॉन्ग, कमेंट करके बताना, और काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, लगातार देखते रहिए, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू गाइज़।